स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से नए वीडियो में आज के इस वीडियो का जो प्रमुख विषय रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के रहने वाला है धारा 370 और पैंतीस ए को लेकर के ये छोटा छोटा टॉपिक आपको जो है एक नंबर जरूर देने का काम करेगा एग्जाम में ठीक है जैसे जी धारा तीन या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी मैं आपको जी ये सभी जो मैं नीति आयोग ये सभी जो करवाऊंगा आपको छोटा छोटा टॉपिक वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला आपके एग्जाम के लिए छोटा छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ठीक है इसे अच्छे से समझते हुए और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर लेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा तो आज का जो विषय टॉपिक का नाम क्या है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जम्मू कश्मीर को लेकर के धारा तीन और पैंतीस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैप शेयर करना चाहूंगा ठीक है मैप आप लोग देख लीजिए सबसे पहले आप जो है जिस भी स्टेट में रहते हैं जिस भी राज्य में रहते हैं पहले वो राज्य आप लोग देखिए कहाँ पर है उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो कि न्यू बने हैं अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको देखिए ठीक है यहाँ पे देखिए चेक कीजिए यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है देखिए ये आपका पुराना मैप है अर्थात जब ये राज्य था जम्मू कश्मीर पहले क्या था राज्य था तब का ये मैप है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित बन गए तब यूं इस तरह से आपका जो है भारत का मैप हो गया यहाँ पे देखे ये आपका रहा जम्मू कश्मीर और इधर रहा आपका लद्दाख ठीक है पहले देखिये जम्मू कश्मीर कितना बड़ा था जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो भाग में टूट करके बना ठीक है ध्यान रखिएगा ये मैप था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आपके माइंड में सेटअप हो जाए मैप इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया ठीक है चलिए आगे अब हम लोग जो है नोट के रूप में समझते चलेगे पहले थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को कवर करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग समझते ये हैं कि जो पेश किया गया जो किसके द्वारा ये पुनर्विधेयक जो है मंजूरी मिला ठीक है तो मंजूरी जो है राष्ट्र रामनाथ कोविंद जी ने दिया था ये कब दिया गया तो जो पुनर्गठन विधेयक था 2019 का ठीक है जम्मू कश्मीर को लेकर के जो पुनर्गठन विधेयक 2019 था उनको मंजूरी दिया गया इसके द्वारा द्वारा राष्ट्रपति के और कब 11 अगस्त 2019 को फिर बात यह आती है कि अगर ये मंजूरी मिली इससे क्या होगा इससे यह होगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है ना वो उसका जो विशेष दर्जा था प्राप्त धारा तीन और पैतीस ए को लेकर के वो हटा दिया गया ठीक है अब आप कहेंगे

जम्मू कश्मीर की महिला किसी के साथ शादी करती है तो वहां जो जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता होती थी महिला की वो समाप्त हो जाएगी ठीक है ठीक है ध्यान रखिए ये आपका पैंतीस था उसके बाद क्या हुआ कि धारा तीन हटने के बाद ठीक है आपको पता है कि धारा तीन जम्मू कश्मीर में तीन काल तीन भागों में था कितने भागों में था तीन खंडों में था और खंड एक अभी भी लागू है अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर में 370 यानी कि धारा तीन हटने के बाद भी खंडों में से कौन सा खंड अभी भी जम्मू कश्मीर में लागू है तो आपको बताना खंड एक अभी भी लागू है ठीक है ध्यान रखिएगा आगे पे धारा हटने के समय, के समय जम्मू कश्मीर राज्यपाल कौन थे वो थे सत्यपाल मलिक थे कौन थे सत्यपाल मलिक जब धारा तीन हटने को था उस समय जो है सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे बात ये आती है कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित था तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था आपको लद्दाख टिक नहीं करना लद्दाख तो बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश बना लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर केवल राज्य था ठीक है इसलिए पूछा जाए धारा तीन किस राज्य से संबंधित था तो आपको बताना जम्मू कश्मीर ठीक है एक सूचना देनी थी आप लोगों को अगर आप लोग एस की तैयारी करना चाहते हैं तो अन एकेडमी लाया है आप लोगों के लिए टॉप एजुकेटर के साथ साथ टॉप बैचेज जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 29 दिसंबर 2021 से ठीक है इसमें आपको कौन कौन सा जो है तो आपको बैच मिलेगा एक तो एसएससी एस सी सीजीएल सीचुअल दो हज़ार एग्जाम के लिए मिलने वाला है जो कि ये भी 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और इन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो भी मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाऊंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा इनरोल कर लीजिएगा इनरोल करते समय अगर कोई भी कॉड पूछे फ्रेंड्स तो कॉड के रूप में अपने चैनल का नाम लगा देना स्टडी लाइन ठीक है स्टडी लाइन लगाने से आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला जो भी रहेगा वो मिल जाएगा ठीक है आगे यहाँ पे बात करें एम के लिए भी लाया गया है बैच दो हजार के लिए फिर हम लोग बात करें स्टेनोग्राफर इसके लिए भी है साथ ही साथ इस सी की तैयारी करना चाहते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो एस का जो है आपको हर जो भी एग्जाम आपसे पूछा जाता है एस में वो सभी का जो है बैच जो उनतीस दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है ठीक है आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं ठीक है, है? चलिए अगले स्लाइड में अब हम लोग कुछ और जानते हैं देखिए अब आपको मन में ये सवाल आएगा कि धारा तीन जो हटाया गया इसको जो है किसके द्वारा पेश किया गया था और कहा पर पेश किया गया था इसको हटाने का क्या प्रक्रिया था देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को किसने प्रस्तुत किया तो गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया था कौन थे यानी कि कौन है अभी तो अमित शाह सा, अमित शाह ने जो है पांच अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया धारा तीन सर, हटाने के लिए ठीक है इनको हटाने के लिए किसने जो है अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक को किसने जो है आ, यहाँ पे पेश किया गया था राज्यसभा में तो गृह मंत्री के द्वारा कौन थे अमित शाह थे कब किया गया पांच अगस्त दो गया तो धारा इसलिए हटाने के लिए कहाँ से तो जम्मू कश्मीर से ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जब पेश किया गया इसको मंजूरी तो राष्ट्रपति जी दे दिए थे आपको जस्ट मैंने ऊपर वाला स्लाइड में बताया तो अब ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले थे वो अब क्या बन गए तो उनको दो केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया कितने केंद्र शासित प्रदेश में दो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा एक तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में तोड़ दिया गया यानी कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था अब इसको दो भागों में तोड़ करके एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तब कहेंगे ये कब से लागू हो गया तो 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है लागू हो गया और वहां से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया ठीक है ध्यान केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फिर आगे बात आता है जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया कौन जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब यह बताइए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे तो गिरीश चंद्र मुर्मू एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे तो गिरीश चंद्र मुर्मू लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने ठीक है इस तरह से आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा नोट के रूप में मैंने आपके लिए लाया है यहां पे ध्यान दीजिए अगर आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे इसकी राजधानी कहाँ है तो श्रीनगर है और जम्मू में है यानी कि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है ठीक है अभी प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है लोकसभा सीट पांच राज्यसभा सीट चार और विधानसभा सीट एक सौ चौदह है ध्यान रखिए फ्रेंड्स उपराज्यपाल ये करेंट की चीजें हैं अगर बदल जाती है तो आप लोग जो है चेक कर लेना अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं मेरा तो हो सकता है कि उपराज्यपाल चेंज हो गए हो लेकिन बाकी सब सही रहेगा ठीक है जो आपका उपराज्यपाल है ये चेंज हो सकता है ठीक है वो ये जो है चेंज होने को रहता है ठीक है आप मैप में देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है ये रहा आपका जम्मू कश्मीर ये वाला आपका लद्दाख हो जाता है ये आपका पीओके का क्षेत्र है ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए ये तो मैंने आपके साथ मैप शेयर किया यहाँ देख लीजिए आप ये आपका जो है कश्मीर का एरिया है।, है? है।, है, है ठीक है ये आपका लद्दाख का एरिया ये आपका पीओके वाला क्षेत्र है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे हम लोग लद्दाख के बारे में देखते हैं देखिए लद्दाख लद्दाख की राजधानी कहाँ पे लेह में है लद्दाख का भी प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है राधा कृष्ण माथुर और लोकसभा सीट केवल एक है यहाँ पे लद्दाख में ठीक है लद्दाख का मैप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये रहा आपका लद्दाख ठीक है ध्यान रखिएगा ये आपका अक्साई चीन जो की चीन के कब्जे में है ठीक है ध्यान रखिएगा ये सभी आपको मैप क्लियर करके चलना है ठीक है चलिए आगे हम लोग करेंगे अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ठीक है चलिए आप लोग देखिए सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया कुल आठ जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और अट्ठाईस राज्य हैं ठीक है चलिए आगे आगे देखते हैं, है संसद में के लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में है कि चीन, को, चीन ने भारत से कब छीना यानी कि कब कब्जा किया था कब युद्ध हुआ था तो आपको पता है उन्नीस में हुआ था ऑप्शन तो इसमें है नहीं सीधा लेकर के आया हूं ताकि आपको अच्छे से याद रह सके आगे वर्तमान समय में लद्दाख में कितने जिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो दो जिला एक तो कारगिल है दूसरा लेह है ठीक है ध्यान रखेगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा गया है अभी प्रेजेंट में ही कि लद्दाख में कितने जिले हैं तो दो जिले हैं एक, एक कारगिल है दूसरा लेह है ठीक है आगे वर्तमान समय में जम्मू में कितने जिले हैं तो बाईस जिले हैं ठीक है कितने जिले हैं बाईस जिले अगला है, है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया बताया अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है आर्टिकल पैंतीस ए क्या बताता है तो आर्टिकल पैंतीस अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी महिला जम्मू कश्मीर की महिला जो भी शादी करेगी तो उनका नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है ऐसा ये पैंतीस में था लेकिन जो अब जो इसको समाप्त कर दिया गया अब भारत में जो कानून चलता है वो जम्मू कश्मीर में भी कानून चलता है ठीक है अब सेम हो गया है ठीक है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में धारा पैंतीस ए कब लागू हुआ था हाँ ये भी जानना आपके लिए जरूरी है उन्नीस में लागू हुआ था कब उन्नीस में ध्यान रखिएगा अब पूछा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं कब तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को ये काम हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को ठीक है आपको ये बताना है फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को और हम लोग कौन सा डे मनाते हैं ठीक है आपके लिए होमवर्क रहेगा देखते हैं कि आप लोगों को कितना ध्यान में है इकतीस अक्टूबर को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था ठीक है तो कब घोषित किया गया था घोषित किया गया था नो पांच अगस्त 2019 को उन्नीस लागू हुआ था 31 अक्टूबर से ठीक है ध्यान रखेगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए अगला है जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब लागू हुआ था धारा 370 जो है ये 17 अक्टूबर उन्नीस को लागू हुआ था ठीक है अगला जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था ठीक है देखिए आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अलग रहना चाह रहा था ठीक है पाकिस्तान अलग था भारत अलग था और जम्मू कश्मीर अलग रहना चाह रहा था ठीक है लेकिन ध्यान रखना छब्बीस अक्टूबर उन्नीस सौ सैतालीस को जम्मू कश्मीर जो है भारत में विलय हो गया इसके तहत मैं आपके लिए नोट्स भी लाया हूँ ध्यान से देखिए छब्बीस अक्टूबर उन्नीस को जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह कौन थे ये बहुत बार पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक कौन थे तो हरि सिंह थे ठीक है कश्मीर के विलय के लिए पाकिस्तान की जगह भारत को चुना था और विलय के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे ठीक है इंपॉर्टेंट यहां से क्या है दो तो इंपॉर्टेंट है एक तो आपसे पूछा जाएगा कब विलय हुआ दूसरा उस समय जो है जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक कौन थे तो महाराजा हरि सिंह थे ठीक है ध्यान रखिएगा आगे यहाँ पे आगे है कि जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल कौन बने हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी जस्ट मैंने बताया मनोज सिन्हा बने हैं आगे जम्मू जो संविधान के किस भाग में धारा तीन ए के बारे में है संविधान के किस भाग में तो भाग 21 में जो है धारा 370 के बारे में वर्णन किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा एग्जाम पूछा जा सकता है आगे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं सबसे ज्यादा बोली गई यहाँ पे तो यहाँ पे डोंगरी कश्मीरी उर्दू ये सभी जो है ज्यादातर वहाँ पे बोली जाती है ठीक है वैसे और भी आधिकारिक भाषा जो है राजकीय भाषा हो चुका है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी जम्मू कश्मीर में कितने भाषाएं बोली जाती है आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से कब मुक्त किया गया तो विशेष राज्य के दर्जे से कब मुक्त किया गया पांच अगस्त जस्ट मैंने आपको बताया अनाउंस जो है पहले हो चुका था पांच अगस्त दो को ही इक्कीस अक्टूबर को ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था ठीक है लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं तो पहले उपराज्यपाल जो है वो राधा कृष्ण माथुर बने हैं ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा आगे लद्दाख की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो तीन तीन देश है एक तो आपका पाकिस्तान है अफगानिस्तान है और चीन है ठीक है मैं आपको मैप, मै, 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 मैप मैं मैप में आपको मैं बता दूंगा ठीक है अच्छे से आगे वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो वो है आपका लद्दाख अगर पूछे वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लद्दाख है इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ध्यान रखेगा आगे लद्दाख की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है तो वो सिर्फ एक है ठीक है वो भी है हिमाचल प्रदेश के साथ ठीक है आगे अनुच्छेद तीन लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का, का कार्यकाल कितना था यानी कि जो पहले था 370 लागू होने से पहले यानी कि लागू होने के बाद जो है जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा का जो कार्यकाल होता था वो छः वर्ष का होता था कितने वर्ष का होता था छह वर्ष का होता था ठीक है ध्यान रखेगा लेकिन अब तो सेम हो गया जितना और सब यानी कि अब और सब राज्य में है उतना यहाँ पर भी रहेगा पांच वर्ष ठीक है आगे जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है तो राज्यों के बाद पूछा गया तो दो राज्य होगा एक हिमाचल प्रदेश एक पंजाब ठीक है अगला है जम्मू कश्मीर राज्य को किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया गया है अभी जस्ट मैंने बताया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दो भाग में बांट दिया गया है ठीक है अगला है जम्मू कश्मीर में पूर्व में विधानसभा विधानसभा सं... की संख्या कितनी थी ठीक है तो देखिए वो पूर्व में पूछा गया है तो ये तो आपका वर्तमान में है तो वर्तमान वाला अगर पूछे तो एक विधानसभा है ठीक है ध्यान पूर्व तो अब नहीं पूछी जाएगी तो अब वर्तमान आप कर लीजिएगा ठीक है वर्तमान में जो है एक सौ चौदह विधानसभा सीटें हैं आगे हम लोग बात करें आगे वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद है यहाँ पे पूछा गया विधान परिषद तो छह विधान परिषद है कौन कौन सा तो देखिए फ्रेंड एक तो आपका बिहार में है ठीक है दूसरा आपका यूपी में है तीसरा आपका महाराष्ट्र में है चौथा आपका जो है आंध्र प्रदेश में है ठीक है फिर तेलंगाना में है और फिर कर्नाटक में है ठीक है तो ये जो है छह जो है राज्य है ध्यान रखेगा तीन जो है आपको लगभग चार जो है आपको साउथ इंडिया, इंडिया देखने को मिल रहा है और दो जो है आपका एक तरह से नॉर्थ इंडिया देखने को मिल रहा है ठीक है आगे यहाँ पे भारत वर्तमान सॉरी वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ जिला पूछा गया है तो आपको लेह बताना है ठीक है लेह जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का ठीक है और केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह लद्दाख आगे जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है तो यहाँ पे एक ही लगती है वो लद्दाख ठीक है आगे यहाँ पे अगला है जम्मू कश्मीर जो जम्मू है वह किस शहर के नदी यानी किस नदी के तट पर बसा है तो तवी नदी के तट पर बसा है ठीक है ध्यान रखेगा आप तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस इस संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में उनको करा दिया उम्मीद करता हूँ कि ये रिविजन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये छोटा छोटा वीडियो ठीक है और मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बहुत ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ तो आपको जरूर देखा कीजिए और इन्जॉय किया कीजिए क्योंकि यहाँ से एक नंबर जरूर पूछा जाने का चांसेस रहता है ठीक है चलिए तब मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत